हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। समय हो रहा है 7 और तापमान दिल्ली में थोड़ा सा कम है, अभी 9 डिग्री के सेल्सियस के आसपास अभी टेम्परेचर बना हुआ है। कल थोड़ी सी हवाएं चली थी जिसकी वजह से थोड़ा सा नाम टेम्परेचर जो है डाउन है, और ब्लॉग्स रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो काफ़ी दिनों बाद ये ब्लॉग भी आ रहा है। और लगभग 7:30 बज चुके हैं और मैंने जल्दी जल्दी से अपने क्विकली काम निपटा दिए और 2 बोतल लेमन जूस भी तैयार कर लिया है ताकि ग्राउंड में ज़रूरत पड़े, और निकलता हूँ फटाक से तैयार होके, मिलता हूँ आपको सीधा ग्राउंड में। ठंड में ठिठुरते ठिठुरते पहुँच तो चुके हैं हम अभी संडी के गैराज में है किट। संडी महाराज ऊपर से आया ही नहीं अभी, ठंड से बहुत बुरा हाल है, हाथ एकदम जम से रहे हैं आज। हाथ में है किट पूरी टीम का जो कि बहुत ज़्यादा भारी है, फटाफट अब बस लगाते हैं और गेम स्टार्ट करते हैं। यहाँ ठंड का प्रकोप कुछ ऐसा है, सबके हाथ बहुत ठंडे हो रखे हैं बाइक से आके, और ये देखिए प्लेयर्स ने इंतजाम किया हुआ है यहाँ पे शानदार आग का, हाथ भी सिक जाएंगे और बॉल भी जल जाएंगे। उधर भी आप सामने देख सकते हैं, ये देखिए इधर भी लोग सुबह सुबह हॉकी खेलने आते हैं, बट अभी ठंड इतनी है कि सारे लोग अभी आग से। हमारे साथ है दिनेश भाई, नितेश बहुत दिनों बाद आ रहे हैं आज, जब इन्होंने सुना कि सत्या नहीं आ रहा और कुछ खिलाड़ी आज छुट्टी पे हैं तो हेलमेट उतारने का मन तो नहीं कर रहा है, ठंड है पर निकालना ही पड़ेगा। ये हमारे नए प्लेयर, नाम बताओ आप अपना। मेरा है सुनील सिंह रावत। सुनील सिंह रावत, सुनील सिंदोला। अरे आज टीम कम है यार, प्लेयर और प्लेयर्स थोड़े से कम होंगे, ज्यादा तो नहीं पर थोड़े से। सूर्यदेव भी हल्के से दर्शन दे तो रहे हैं। तुमने जवाब दिया उसका? 8:15 हो चुके हैं और लड़के अभी तक भी पूरे आए नहीं है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बस इतने ही है और अभी औरों का आना बाकी है, जबकि यहाँ पे लड़कों की कमी नहीं है, लगभग हम लोग 30 जने हो जाते हैं कभी कभी यहाँ पे, तो 15-15 की टीम बनानी पड़ जाती है, तो ये सब ठंड का ही असर है जो थोड़ी सी बहुत ठंड पड़ी है हमारे यहाँ पे। एक और प्लेयर आ गए हमारे पीछे, नरी भाई, तो ऐसे एक एक करके प्लेयर्स आते जाएंगे और शायद जल्दी हम फिर गेम शुरू कर दें। मैच स्टार्ट हो चुका है, हमारे क्यूरेटर साहब सूरी भाई को देखिए आप, और टॉस जीत के हमने बल्लेबाजी का फैसला किया है। अभी केवल 6 ही लड़के हैं इसलिए जल्दी करना पड़ेगा, बल्लेबाजी का ही फैसला सही रहेगा। अभी तक पहला मैच हम जीत चुके हैं और दूसरा मैच अभी प्रगति पे है, देखते हैं आप। मेरे ललित क्या कहना चाहेंगे, कैसा परफॉर्मेंस रहा? अच्छा मैच रहा आज का, परफॉर्मेंस तो अच्छा किया था। मजा आ गया पहले मैच में, इतनी ठंड है कि हमने अभी जीते हैं, ये देखो हमारी जैकेट्स तक नहीं उतरी, इतनी ठंड है अभी। सूर्यदेव को देखो अभी बादलों के पीछे छुपे हुए हैं सूर्यदेव, और दूसरे मैच के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं यहाँ पे, और विपक्षी टीम की फील्डिंग पूरी सज चुकी है और देखते हैं। और यहाँ पे पहली बॉल मैच की, दूसरे मैच की, और बहुत ही अच्छी गेंद मिस कर गए पूरी तरह से यहाँ पे गुसाई जी। दूसरी गेंद सीनू की यहाँ पे, और ये शानदार सिक्स वहां पे, सॉरी 4 रन सूर्या की मिसफील्डिंग, 4 रन सत्या की। तीसरी गेंद लेकर यहाँ पे शीनू, और बहुत ही अच्छी गेंद पैरों पे रही नीचे ही नीचे। अगली गेंद सामना करेंगे गुसाई जी और घुमा दिया इसको लेग साइड की बाउंड्री की तरफ, एक ही रन मिल पाएगा वहां पे जब तक बॉलर फील्डर फील्ड करते हैं गेंद को। सुनील सामना करेंगे, बहुत ही अच्छी गेंद सीनू की, समझ नहीं पाए इसको। सुनील सामना करेंगे यहाँ पे शीनू की गेंदबाजी का, देखते हैं क्या
आते हैं हमारे पिछले मैच के हीरो सूरज और बिजू भाई की तरफ, और इन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं हमारे, और जिसके बदौलत हम मैच काबू कर पाए। हाँ जी, बैन स्टॉक के फैन हैं ये। और अब ले चलते हैं आपको ग्राउंड की तरफ। सुनील भाई अपना पहला ओवर लेकर, और ये सुनील के लिए, सुनील वर्सेस सुनील, भागले की ग्राउंड में तीन तीन सुनील एक साथ, रनर बैट्समैन और बॉलर, तीनों सुनील, सुनील सुनील सुनील। और सुनील गेंदबाजी करेंगे सुनील को, देखते हैं क्या कर पाते। भट्टा गेंदबाजी है ये, डबल आसानी से मिल जाएगा यहाँ पे, दो रनों की मांग है वहाँ पे, और आसानी से यहाँ पे दो रन खींच लिए गए जब तक बॉल फील्ड होके आती है। सुनील पिछली गेंद पे चौका लगा चुके हैं, और इस बॉल में देखते हैं क्या कर पाते हैं सुनील के ही खिलाफ। शॉर्ट पिच गेंदबाजी, और उसको दिखा दिया है सीमा रेखा का रास्ता 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे सुनील की, और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी है फिर से, शॉर्ट पिच गेंद, और यहाँ पे मनोज भाई की वही तीखी फील्डिंग जिसके लिए जाने जाते हैं मनोज भाई, और एक और रन आउट यहाँ पे। सुनील ज्यादा स्कोर नहीं दे पाए टीम को, और यहाँ पे दूसरे सुनील देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी तक, फिर से शॉर्ट पिच गेंदबाजी, और यहाँ पे घुमा दिया है उसको बाउंड्री लाइन की तरफ, जब तक बॉल फील्ड होती है तब तक देखते हैं आसानी से दो रन खींच लिए गए, और यहाँ पे आसानी से दो रन। दो ओवर की समाप्ति पे यहाँ पे 21 रन, बहुत ही अच्छा 10 की ऊपर की एवरेज चल रही है अभी, 10.5 की एवरेज, और देखते हैं आगे हम क्या कर पाते हैं अगले वाली ओवर। अमित को बुलाया गया है गेंदबाजी का भार संभालने के लिए, और शॉर्ट पिच गेंदबाजी यहाँ पे अमित सुनील के लिए, और सुनील की तरफ ही धकेल दिया गया है सुनील के ही द्वारा, और यहाँ पे दो रन आसानी से खींच लिए गए। रन आउट, रन। तीसरी गेंद लेकर इस ओवर में नरी भाई, चौथी गेंद लेकर बिजू भाई के लिए, और ये फुल टॉस गेंद, और इसको उछाल दिया है हवा में, आउट। हमारे खोपड़ी फोड़ते हुए रिंकू भाई ने यहाँ ये बड़ी अच्छी फील्डिंग, और नहीं 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 नहीं, और 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 40 रन, और यहाँ पे 3 बॉले करा चुके हैं ललित, जिनमें अभी तक कोई भी रन नहीं मिला है। बुलाया गया है दूर छोर से गेंदबाजी का भार संभालने के लिए, और यहाँ पे पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट बॉल निकाल दी गई। अंकित दूसरी गेंद लेकर अपने ओवर की, शॉर्ट गेंद, और इसको दिखा दिया है बाउंड्री का रास्ता, और वहाँ पे शानदार कैच सुनील भाई का, लपक लिया गया है वहाँ पे कैच, और यहाँ पे दिनेश भाई भी आउट, और ये पहली गेंद में बोल्ड मार दिया है अमित ने। और फिलहाल 2 मैच हम हार गए, 1 मैच जीते थे, और अभी जो मैच चल रहा है वो सादिक नगर 11 वर्सेज हमने उत्तराखंड 11 के साथ लगवा दिया, देख सकते हैं अभी सीनू और विपक्षी टीम, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है इनकी। 5 ओवर में मात्र अभी 41 रन है, और 83 रन अभी टीम का स्कोर, यहाँ पे 9 बॉल या वाइड बॉल जो भी कहें। भीम दूसरी गेंद सामना करेंगे मनोज भाई, देखते हैं क्या कर पाते हैं। फुलटा और शॉर्ट पिच गेंद, और यहाँ पे 2 फील्डर के बीच में गिरेगी, और आराम से 2 रन खींच लिए गए। तीसरी गेंद भीम अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर, और यहाँ पे उछाल दिया गया है हवा में मनोज भाई के, दो फील्डर वहां पे बॉल के नीचे, और आसानी से यहाँ पे 2 रन मिल जाएंगे मिस फील्ड के चलते हुए। मनोज भाई की हालत देख सकते हैं आप, काफी रन भाग चुके हैं इस ओवर में, और ये फाइनली 2 बजे हम लोग घर जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। और आज अंकी को दिया गया है एक किट, सुबह हम लाए थे, अब अंकी ले जाएगा ये किट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लास्ट मैच वैसे हमने जीत लिया जो सादिक नगर 11 के साथ, बहुत बुरी तरह से हराया हमने उनको, और इसका सारी टीम को श्रेय जाता है, बहुत ही अच्छी खेली हमारी टीम। चलो तब तक के लिए बाय 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 बोलेंगे।